पारमपुरी नाम का एक गांव था, जहां पर मंजोत अपनी बीवी ऋचा के साथ रहता था। मंजोत गांव में लकड़ी काटकर लोगों के घर बनाता था और मरम्मत भी किया करता था। मंजोत दिल का साफ इंसान था, सारे गांव वाले उसे अच्छा मानते थे। जो मजा लोगों के घर बनाने में है, वो खुशी किसी भी और चीज में नहीं है। हाँ, अच्छा तो लगेगा ही, बारिश के महीने में काम जो इतना मिल रहा है, इसीलिए इतने खुश हैं आप। हाँ हाँ, काम मिल रहा है तो क्या, लोगों के घरों को बारिश से बचाना काम है मेरा। तुम ही लोगों का अच्छा करते रहते हो, मगर गांव वाले तो जरा भी अच्छे नहीं हैं। आए दिन चोरी की खबरें, जमींदारनी का प्रधान से जलना, एक दूसरे से ईर्ष्या रखना, लोगों के पीठ पीछे बुराइयां करना, यही सब चलता रहता है गांव में। अगर सब बुरा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उनके साथ बुरा ही करें। अच्छा छोड़ो, मैं निकलता हूँ, मुझे आज प्रधान जी का नया घर बनवाना है। मंजोत कुल्हाड़ी लेकर जंगल में पहुँचता है और दरख्त काटने लगता है। आज तो लगता है कि ये पूरा दिन इस पेड़ को काटने में ही चला जाएगा। जल्दी से पेड़ की लकड़ियाँ काट लेता हूँ, फिर प्रधान जी का नया घर बनाना शुरू कर दूंगा। जंगल में बारिश होने लगती है और आसमान से एक इंसान नीचे आता है, जिसके बाएं हाथ में एक छोटा बादल था। जी आप कौन है? मैं जो कोई भी हूँ, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस इतना जान लो कि मैं बारिश की ओर से आया हूँ और जल्दी ही गांव में बाढ़ आ जाएगी, जिस वजह से ना कोई घर में रह पाएगा और ना कोई घर के बाहर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो जमीन पर पैर रख पाएगा। मगर क्यों, ऐसे तो सब मर जाएंगे। इस गांव के लोगों के पापों का घड़ा भर चुका है, सिर्फ तुम ही एक यहाँ पर हो जो सबसे ज्यादा नेक दिल हो। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ। एक बड़ा जहाज तैयार करो और जितने लोग उस जहाज में आ सकते हैं उतने लोगों को अपने जहाज में बिठा लो। मेरे हाथ में एक बादल का हिस्सा है, ये जल्दी ही काले बादल में बदल जाएगा और सुनामी की लहर इस गांव को अपने साथ बहा ले जाएगी। पर मैं इतना बड़ा जहाज इतने जल्दी बनाऊंगा कैसे? बारिश की ओर से आया हुआ आदमी मंजोत को एक बड़ी सोने की कुल्हाड़ी देता है। इससे तुम एक बार में ही पेड़ काट सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ तुम ही इस्तेमाल करना। इसे छूते ही तुम्हारे पास अति मानव लकड़हारे की शक्तियाँ आ जाएगी। जाओ और जो काम मैंने सौंपा है उसे पूरा करो। मंजोत प्रधान को जाकर सारी बातें बता देता है। अगर ऐसा है तो तुम जहाज बनाना शुरू कर दो, मैं सारे गांव वालों को इकट्ठा करता हूँ और उन्हें एक खबर सुनाता हूँ। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मंजोत जंगल में जाता है और उस कुल्हाड़ी से दरख्त काटने लगता है। मंजोत बड़ी सी जहाज बनाना शुरू कर देता है और दूसरी ओर प्रधान गांव वालों की बैठक बुलाकर उन्हें सारी बातें बताता है। अच्छा तो अब ये प्रधान जी कोई नया नाटक लेकर आए हैं, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करती। ये नाटक नहीं है, ये सच है, तुम खुद अपने आंखों से देख सकती हो कि बारिश कितने दिनों से रुकी नहीं रही है। एक हफ्ते बाद ये गांव पूरी तरह पानी में डूब जाएगा। गांव वाले प्रधान की बात मान लेते हैं, मगर जमींदारनी जहाज में बैठने से मना कर देती है और सिर्फ एक हफ्ते बाद मंजोत एक बड़ी सी जहाज बना लेता है। जमींदारनी को छोड़ प्रधान और बाकी लोग जहाज में चढ़ जाते हैं। गांव में सन्नाटा सा छा जाता है। एक बड़ी सी लहर गांव में घुसती है। देखो देखो, पानी की लहर पूरे गांव को बर्बाद करने के लिए आ रही है। लेकिन हम सबको इससे डरने की जरूरत नहीं है, हमें तो ये जहाज बचा लेगा। जमींदारनी जहाज की तरफ चली आती है। अरे रुको रुको, मेरे लिए, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो?
मंजोत जमींदारनी को भी जहाज में ले लेता है और सुनामी पूरे गांव को अपने अंदर समेट लेती है। बाल बाल बच गई मैं। जमींदारनी जहाज को देखती है और चौंक जाती है। ओह, ये कितनी बड़ी जहाज है, मगर यहाँ पर इतनी सारी लकड़ियाँ क्यों रखी हुई हैं? मंजोत गांव वालों से कहता है, गांव वालों ध्यान से सुनो, इन लकड़ियों को मैंने आप लोगों के लिए जमा किया है। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं जहाज में आप लोगों के लिए घर बना सकूं। वाह मंजोत, तुम ना होते तो हमारा क्या होता। सबके घर बराबरी के साथ बनाए जाएंगे। घर में रहने वाले परिवार के हिसाब से घर को बनाया जाएगा। जी, अगर घर में कम सदस्य रहते हैं तो उनके लिए छोटा घर बनाया जाएगा, और अगर ज्यादा लोग रहते हैं तो बड़ा घर बनाया जाएगा। बिल्कुल नहीं, मुझे ज्यादा जमीनें इस जहाज में चाहिए। गांव में मेरे जमीन ज्यादा थे। चुप रहो, ये गांव नहीं है जहाँ जो चाहो वो करो। किस हक से तुम बड़ा घर मांग रही हो? मंजोत ने जैसा कहा है वैसा ही होगा। हाँ हाँ, अबे तुम जमींदारनी नहीं हो, एक आम इंसान हो हमारी तरह। सब अपना अपना घर बनाने लगते हैं और जमींदारनी असलियत को पचा नहीं पाती है। एक वक्त था जब मेरे पास कितनी सारी दौलत और शोहरत थी, जमीनों की कभी कमी नहीं थी, खेतों का खान पान भी बढ़िया था, सब इज्जत से पेश आते थे। ये सब एक ही बार में मेरे हाथ से चला गया, सब इस सुनामी की वजह से। अब सब लोग सिर्फ मंजोत और प्रधान को ही इज्जत देते हैं। मुझे कुछ करना होगा। तभी जमींदारनी का पुराना कर्मचारी वीरू उसके पास आता है। आओ वीरू आओ, क्या हुआ? जब से जहाज में आए तब से मिलने ही नहीं आए, काम वगैरह नहीं करना है क्या? चलो बताओ, ये मंजोत की कुल्हाड़ी का क्या मसला है? जी, मंजोत के पास कुल्हाड़ी है तो उसके पास बेहद ताकतवर इंसान की ताकत आती है। और तो और, मैंने तो ये भी देखा है कि उस कुल्हाड़ी से जब पेड़ को काटा जाता है तो वो पेड़ फिर से उग जाता है और फल भी देने लगता है। और मालकिन जी, रही बात काम की, तो मैं आपके लिए अब आगे से काम नहीं करने वाला। इतना कहकर वीरू वहाँ से चला जाता है। और दूसरी ओर प्रधान और मंजोत जहाज में सबके लिए बराबरी का घर बना लेते हैं। जमींदारनी को भी एक घर मिलता है जो कि एक इंसान के रहने बराबर होता है। नहीं नहीं, मैं यहाँ कभी नहीं रहूंगी, मेरा घर इससे काफी बड़ा था, इसमें तो सिर्फ एक ही इंसान रह सकता है। मुझे सब वापस लेना होगा, मैं उस मंजोत से सब छीन लूंगी। मंजोत और प्रधान जहाज पर बची लकड़ी को काट रहे थे। तभी जमींदारनी हाथ में लड्डू लेकर वहाँ पहुँचती है। प्रधान और मंजोत, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया गांव वालों और मेरी मदद करने के लिए। मुझे नया घर देने के लिए भी शुक्रिया। ये लीजिए, मैं आप लोगों के लिए लड्डू लेकर आई हूँ, लीजिए खाइए ना। वाह, आज इस जहाज के गांव में नया चांद कैसे खिल गया, बेहद खुश लग रही हो जमींदार ने। हाँ, हम भी खुश हैं। अगर आप खुश हैं तो लाइए दीजिए। प्रधान और मंजोत लड्डू खा लेते हैं। खाने के कुछ वक्त बाद ही वो दोनों नीचे गिर जाते हैं, गहरी नींद में सो जाते हैं। और जमींदारनी मंजोत की कुल्हाड़ी को चुरा लेती है और अपने घर के पास आ जाती है। अब आएगा मजा, मैं अपना घर इस जहाज में सबसे बड़ा बनाऊंगी, फिर से एक बार मेरा डंका बजेगा, गांव में फिर एक बार लोग मेरी इज्जत करेंगे और मेरे नीचे काम करेंगे। जमींदारनी कुल्हाड़ी लेती है। ये कुल्हाड़ी तो बहुत ताकतवर है, इसे पकड़कर मानो मुझ में एक अलग सा बल आ गया हो। अब आएगा मजा, जब मैं दूसरों के घर भी इस कुल्हाड़ी के दम से लूटने लगूंगी। जमींदारनी आजू बाजू के सारे घर तोड़ देती है और उनके घर की लकड़ियों से खुद का एक महल बनाना शुरू कर देती है। दूसरी ओर मंजोत और प्रधान जब होश में आते हैं, गांव की तब तक काया ही पलट जाती है। जहाज में जमींदारनी का महल बन जाता है। मंजोत और प्रधान जमींदारनी से मिलते हैं। जमींदारनी, ये सब तुम क्या कर रही हो?
क्या तुम हालात नहीं समझ पा रही? ये वक्त अपने लालच के लिए काम करने का नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी आपने मुझसे चुराई है, वो मेरी कुल्हाड़ी है, मुझे वापस कर दीजिए। नहीं, ये कुल्हाड़ी मुझे बारिश की ओर से आए हुए आदमी ने दी है और कहा है कि मैं इसे जिस तरीके से चाहूं उस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हूं। मैं वो सब बनाऊंगी इस जहाज में जो एक वक्त में मेरा हुआ करता था। चलो, मुझे और भी काम है, मैं निकलती हूँ। जमींदारनी वहाँ से निकल जाती है। झूठ, ये साफ झूठ कहा जमींदारनी ने। ये मेरी ही कुल्हाड़ी है। मैं जानता हूँ मंजोत, और मुझे यकीन है कि जिसने तुम्हें ये कुल्हाड़ी दी होगी वो ये सब देख रहा है और वही जमींदारनी को उसके किए की सजा देगा। तभी आसमान में बिजली गरजने लगती है और बादल काले हो जाते हैं और बरसात और बारिश की ओर से आया हुआ आदमी फिर अपने हाथ में बादल का एक कण लिए वहाँ पर आता है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने ये कुल्हाड़ी मंजोत को दी थी, तो ये मुझे अभी किसे लालची के हाथ में क्यों दिखाई दे रही है? भीग गया सारा गांव, मगर फिर भी तुम ये बात ना समझी। जाओ, तुम्हारे बड़े खेत और मकान जिसे तुम इतना चाहती हो, अब मैं देखता हूँ कि तुम वो सब लेकर जो तुम्हारा था क्या पाती हो। मगर मेरा घर और खेत गांव में है और गांव पूरी तरीके से पानी में है। जमींदारनी के हाथ से कुल्हाड़ी गायब हो जाती है और उसे वो बारिश का आदमी जहाज से नीचे फेंक देता है। अगली सुबह कुल्हाड़ी मंजोत के घर पर होती है। प्रधान और मंजोत गांव में फिर से सबके घर बराबरी से बना देते हैं और आगे से सब खुशहाली से जहाज के गांव में रहने लगते हैं।